हेलो दोस्तों, ये बुधवार की मॉर्निंग की क्लिक है। 4:40 हो रहे थे और यहाँ पे देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं सभी लोग। तो यहाँ भाभियाँ उठ चुकी हैं, फ्रेश होके जो नियम है जो हमारे घर के हैं वो नियम कर रही हैं दोस्तों। और हमारी कबूतरे भी उठ गई हैं तो वो लोग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और ये देखिए फ्रेश होके भाभियाँ ना गोबर का छिड़काव देती हैं दहलीज पर और तुलसी पीड़ा पे। तो ये हमारे ससुराल का भी नियम है और मायके का। और ये ना अभी बेटियां नहीं करती हैं मायके में, जब बेटियां शादी हो जाती हैं ना तो वो पराई हो जाती है, तो ये नियम वो मायके में नहीं कर सकती है। बस मैं दूसरे घर की हो गई हूँ तो ये नियम मैं अपने ससुराल में ही करूँगी। तो हमारे गाँव में ये नियम होती है, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं ना तो ये सब नहीं होता है। मतलब ये सब माँ भी, मेरी सासू माँ नहीं करती थी तो हम लोग भी नहीं करते हैं। इसीलिए मैं सुबह सुबह ना पानी का छिड़कवा करती हूँ। तो बस यहाँ पे गोबर का छिड़काव होता है और हमारे, मैं रहती हूँ वहाँ पे पानी का। तो बस ब्रह्म मुहूर्त में ना उठने से बाहर की दहलीज को ही शुद्ध किया जाता है दोस्तों, जिसमें पॉजिटिव ऊर्जा आती है। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ छत, और हमारे छत से ना तालाब काफ़ी प्यारा दिखता है। और हमारे बगल में ही छत के से ही दिख जाता है, तालाब है, कुआँ है। तो ये विलेज है दोस्तों, गाँव में ही हमारे यहाँ ना जो भी है कोई भी, यहाँ पर आप सभी को तालाब कुएँ काफ़ी मिलेंगे। और हमारे तालाब में ना काफ़ी बड़ी भी है, पानी भी अच्छी है और मछलियाँ भी हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हमारे जस्ट घर के बगल में ही है। तो बस यहाँ पे सुबह का मौसम दिखा रही हूँ, काफ़ी सुहाना है। और हमारे सूर्य देवता नहीं निकले हैं तो अभी बज रहे हैं 5 बज चुके हैं दोस्तों और सूर्य देवता नहीं निकले हैं। मैं आ गई हूँ टहलने के लिए। और कहीं भी हो, सुबह उठने से जो ताजगी शरीर में आती है ना वो बाद में नहीं आती है। ऐसे तो सुबह में किसको उठने का मन करता है, लेकिन अपनी आलसता को जो त्यागता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो बस हमारे जीवन में ना में यही चीज़ है, जो आलसता को अपने ऊपर हावी रखते हैं वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा चीज़ है अपनी आलसता को त्यागना, चाहे आप कहीं भी हो। ऐसे तो मैं यहाँ पे सुबह में नहीं उठूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस जो रूल है, जो हमारे, हमें फ़ायदा देती है, जो हमें फ़ायदा होगी वही चीज़ अपनाना चाहिए। बस उससे नेगेटिव थिंकिंग दूर होती है दोस्तों। बस मैं यहाँ पे तो कहीं टहलने नहीं जा रही हूँ, छत में ही मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ और मैं अपने दांतों को भी साफ कर रही हूँ दोस्तों। तो आप सभी को मैं सूर्य देवता को उगता हुआ सूर्य को दिखाऊंगी। और आज है निर्जला एकादशी दोस्तों, तो मम्मी करती है एकादशी। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत, मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो रही है। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो सूर्य उदय हो चुका है और ये बेला कितना प्यारा होता है, समझ सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं ना और सुबह का जो सूर्य उदय को देखता है, अति मोहक होता है और अत्यंत अच्छा दृश्य होता है। और ये देखना भी चाहिए। और इनसे जो सुबह वाली जो धूप निकलती है ना, तो ये मतलब 1 घंटा तक इनका असर होता है सूर्योदय के। 1 घंटे तक इसमें विटामिन डी की आदि किरणें निकलती हैं दोस्तों, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदे होती है। इस समय आप व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, जो काफ़ी अच्छा हमारे शरीर को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए मैं आप सभी को जूम कैमरे से दिखा रही हूँ कितना अच्छा दृश्य है ना, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये बेला कितनी अत्यंत और प्यारी होती है। तो बस मैं यहाँ पे, मेरी हो चुकी है दोस्तों और मैं यहाँ पे, मैं नीचे उठ जाऊँगी। और अभी टाइम हो रहे थे 5:30 और 5:30 बजे ही आप सभी को इतना उजाला लगेगा कि कितनी बेला हो चुकी है। तो बस मैं नीचे 5:45 और इधर देख सकते हो मेरे भतीजे को होमवर्क मिला था टेबल, तो वो ना भूल चुका था, तो वही मैं सुबह सुबह थोड़ा रिपीट करवा रही थी और बता भी रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे वो बना रहा है होमवर्क और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, ऐसे में तो मेरा कुछ काम नहीं है। और इसको मैं होमवर्क करवा लेती हूँ, इसको टेबल थोड़ा सा, और उसके बाद मैं भी नहाने जाऊँगी। और आज है एकादशी, तो बुधवार को निर्जला एकादशी था दोस्तों, जो मेरी मम्मी करती हैं, मैं नहीं करती हूँ। और ये ज्येष्ठ माँ की सबसे बड़ी एकादशी है। और ये एकादशी, ज्येष्ठ माँ की सबसे बड़ी एकादशी क्यों कहा गया है, मैं आप सभी को इस ब्लॉग के में बताऊँगी दोस्तों, ब्लॉग के जरिए। तो बस यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और नहा धो के बस दोस्तों मैं फ्रेश हो रही हूँ। तो बस आज एकादशी है और
मैं यहाँ पे ब्रश व्रश करके चाय वह नहीं पीती हूँ, मैं ससुराल में थोड़ा चाय पी लेती हूँ, यहाँ पे नहीं पी हूँ और नहा धो ली हूँ। और ये रूम है ना, ये रूम में मेरी, मैं जब भी आती हूँ ना तो इसी में रहती हूँ दोस्तों, और बच्चे लोग का डेरा इसी में रहता है तो समझ सकते हो सब बच्चे इसी में खेलते हैं और बच्चे लोग भी बोलते हैं ये फुआ का रूम है। तो बस यहाँ पर मैं सिंदूर विंदूर कर लूँगी दोस्तों और उसके बाद जाऊंगी पूजा के लिए। और मम्मी मेरी पूजा कर रही थी तो बस मैं यहाँ पे, मम्मी आगे ही नहा रही थी और मैं ही मैं करूँगी दोस्तों। तो बस यहाँ पे मेरी हो चुकी है और मैं आ गई हूँ, तो मैं सर्वप्रथम सूर्य देवता को जल चढ़ा ले रही हूँ। गगन से अंग कांति काली, शादी का चमक रही आली, लटन में काढ़े बन माली, अमर सी अलग सरस्वती अलग, चंद्र सी धनक अलग, सभी जहां प्यारी आरती। तो गाइज यहाँ पे मम्मी कर रही है आरती और मम्मी ने सब चीज चढ़ा दी है। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान को ही विष्णु जी का रूप है, माता लक्ष्मी है, तो बस विष्णु जी का पूजन करो, माँ का ना करो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो बस यहाँ पे मेरी मम्मी पूजा कर रही थी, भैया आरती कर रहे थे और मैं भी हूँ दोस्तों। तो बस यहाँ पे मैं आप सभी को ये ज्येष्ठ माँ की सबसे बड़ी एकादशी क्यों कही गई है इसकी कथा मैं आप सभी को सुनाती हूँ इस ब्लॉग के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पे एकादशी ज्येष्ठ माँ की सबसे बड़ी एकादशी इसलिए कहा जाता है, पौराणिक कथा के मान्यता के अनुसार वेद व्यास ने भीम के यहाँ गए थे, यानी पांचों पांडवों के यहाँ गए थे दोस्तों वेद व्यास जी। तो वेद व्यास ने काफ़ी भीम को काफ़ी चिंतित देखे, उन्होंने भीम से कहा कि हे भीम तुम इतने चिंतित क्यों हो। तो भीम ने कहा कि मेरे परिवार में ना सब एकादशी करते हैं, महीना वाले सारे एकादशी करते हैं, साल भर में जो 23 एकादशी होते हैं ना सभी को करते हैं। मेरी अग्नि भूख की अग्नि इतनी है तीव्र है कि मैं भूख में रह ही नहीं पाता हूँ और मैं कोई भी एकादशी नहीं कर पाता। तो वेद व्यास ने बोला कि वेद व्यास जी आप कोई उपाय बताइए। तो वेद व्यास ने कहा कि ज्येष्ठ माँ की शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उस एकादशी को करो जिसमें 23 एकादशी का फल इस एकादशी में मिलेगा। तो दोस्तों ये आप यदि 23 साल भर में कोई एकादशी नहीं करते हो और यदि ये ज्येष्ठ माँ की ये निर्जला एकादशी करोगे तो इसका पुण्य सभी एकादशी में मिलता है, लेकिन निर्जल रह के होना करना पड़ेगा। तो दोस्तों भीमसेन ने सोच किया इस एकादशी को, लेकिन वो आध्य बेला में मतलब सांध्य बेला में वो मूर्छित पड़ गए, तो माता कुंती ने उन्हें पानी पिला दिया। तो दोस्तों आप इसे 4 बजे में पानी पी सकते हो जो नहीं रह पाते हैं। तो दोस्तों इस एकादशी का फल यही होता है कि आप निर्जल होकर रहोगे ना तो आपको 23 एकादशी का फल मिलता है। तो यही एकादशी का की कथा है दोस्तों, जिस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी बोलते हैं, पांडव एकादशी भी बोलते हैं और निर्जला एकादशी भी बोला जाता है। तो ये ज्येष्ठ माँ की सबसे बड़ी एकादशी है। तो दोस्तों बातों में मेरी कथा पूरी हो गई है दोस्तों, मम्मी ने मेरी ये कथा सुन के आई तो मुझे बताया, तो मैंने आप सभी को बताया, शेयर किया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े धो दिए थे, बच्चे लोग नहा लिए थे और मैंने फैला भी दिया है, तो पाँचों बच्चे नहा लिए हैं दोस्तों। मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप अपनी रूटीन नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं मायके में हूँ और मायके का ही ब्लॉग जा रहा है दोस्तों। हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। आप सभी का पुष्पा लाइव में स्वागत है दोस्तों। और गर्मी काफ़ी है तो यहाँ पे देख सकते हो, और वहाँ पे मम्मी भाभी ने चावल चढ़ाया है और चावल हो रही है, तो गर्मी के कारण ना बाहर में ही अभी बनाएगी। और इतनी गर्मी है, टाइम 10:30 बज रहे हैं और बच्चे लोग नहा लिए हैं, कपड़े मैंने धो दिया है, वो ट्यूशन पढ़ रही है आकृति, आदर्श के साथ मेरे भतीजे के साथ ट्यूशन पढ़ रही है, ट्यूशन टीचर आई है, और अंकित बैठा है ब्रेकफास्ट करके। तो दोस्तों मैं तो अपनी जो मेरी रूटीन है डेली व्लॉग की रूटीन तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जितना होगा मायके में भी मेरी थोड़ी बहुत रूटीन चलती है, ऐसा नहीं कि बैठे रहना है। और सच बताऊँ ना कि अपने आलसता को तो थोड़े सा त्यागना चाहिए, बैठी रहूँगी ना तो बैठने का ही मन करेगा और थोड़ी से काम करूँगी ना तो मेरे लिए भी सेहत के लिए अच्छा है। तो बस मैं अपनी आदत को सुधार मतलब
गंदा नहीं करना चाहती हूँ, मतलब अपनी आदत को बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ, इससे मैं थोड़ी बहुत काम करती हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ करती हूँ, करने के लिए मना करते हैं। मैंने कपड़े धो दिए हैं, जो छोटे छोटे थोड़े बहुत काम है कर ले रही हूँ, और मैं घुस गई हूँ क्योंकि गर्मी इतनी है, काफ़ी गर्मी है, और मम्मी का आज फास्टिंग है। और मम्मी और दोस्तों यहाँ पे भाभी चल गई है बाड़ी और निकाल रही है ताजे ताजे खाड़ी। तो देखिए यहाँ पे गंधारी साग है ना, जो आती है ना वो बड़ी बड़ी खाड़ी वाली है, तो ये खाड़ी वाली ना काफ़ी टेस्टी लगती है, मेरी फेवरेट है, तो मैंने कहा कि बनाओ, तो भाभी ने निकालने के लिए चली गई। और ताज़ी है दोस्तों, घर की है, काफ़ी अच्छी लगती है और ये ना अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे छोटी भाभी कटिंग कर रही है, आज लंच में यही बनने वाला है दोस्तों, तो बस ये पस्तों के साथ बनाओ ना, काफ़ी टेस्टी लगती है और साग और ये खाड़ी बनेगी। तो बस यहाँ पे लंच रेडी हो चुका है दोस्तों, चावल और यहाँ पे खाड़ी, आलू पस्तू, कुंदरी भाजा, साग, आम चटनी, दाल। तो दोस्तों ये मेरी टेस्टी लंच लग गई है। तो दोस्तों कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं बना रही हूँ दोस्तों, और यहाँ पे शाम को मिल रही हूँ और शाम की संध्या बत्ती हो चुकी है, मम्मी ने संध्या बत्ती की है क्योंकि मम्मी आज फास्टिंग में है, तो मम्मी ही संध्या की है दोस्तों। फिर मिलती हूँ आप सभी से नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ओम भगवते वासुदेव नमो नमः।